बात करेंगे बोनफिडा के फिडा कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल्स, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। करंटली कॉइन 0.162 पर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छे डाउन ट्रेंड, एक अच्छे डिप के अंदर वापस से इस कॉइन की प्राइस हमें देखने को मिल रही है और वापस से एक अच्छी अपोस्ट इस कॉइन के अंदर निकल के आ रही है। जो भी इस कॉइन में एंट्री देख रहे हैं, एक अच्छे खासे लेवल पर इस कॉइन में एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए बात करेंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज़ पर नज़रें बनाए रख सकते हैं, आने वाले दिनों में टारगेट्स क्या रहेंगे, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटजी शेयर की जा सके। चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजॉल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर डीएम करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 0.162 पर अभी ये कॉइन ट्रेड कर रहा है, 15 मिनट का चार्ट ओपन है, 161 वाला लो इस कॉइन ने बनाया। डेली का चार्ट ओपन करें तो रिसेंटली इस कॉइन ने 0.1376 वाला जो लो बनाया था उसके बाद से अच्छी खासी रिकवरी की थी। दो तीन बार इस कॉइन ने 18 से ऊपर वाले लेवल्स को ट्राई भी किया लेकिन वहाँ से ओवरऑल रिजेक्शन देखने को मिला। अभी अगर डेली के अंदर सपोर्ट एरिया की बात करें तो 0.152 वाला जो लेवल है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया, जिसको प्रीवियस वन मंथ से अगस्त मंथ और सितंबर मंथ में इस कॉइन ने मेंटेन किया और वहाँ से हमें बार बार अभी इस कॉइन में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसके बाद ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस एरिया की बात करें, 0.8518 वाला जो लेवल है वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है, जिसको इस कॉइन ने अभी दो तीन बार ट्राई किया लेकिन हर बार वहाँ से इसे रिजेक्शन देखने को मिला। हमने प्रीवियसली इस कॉइन में सितंबर मंथ के अंदर बहुत अच्छे लेवल पर एंट्री ली और दो तीन बार इस कॉइन में हमने प्रॉफिट जनरेट किया। यहाँ पर अगर बात करें सितंबर के स्टार्टिंग की, 10th of September को हमने इस कॉइन में 0.145 पर एंट्री ली थी। ये कॉइन ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, ये 9th of September यहाँ पर हमने इस कॉइन में एंट्री ली। टारगेट की अगर बात करें 0.1718 आपको टारगेट बताए थे, इस कॉइन ने मूव किया उसके तीन चार दिन बाद और वहाँ से हमने इस कॉइन में अच्छा खासा 20-25% का प्रॉफिट जनरेट किया। इस कॉइन में अच्छी खासी फ्लक्चुएशन हो रही है, 20-25% ये कॉइन 8-10 days में मूव कर रहा है। 20-25% मूव किया, फिर ड्रॉप देखने को मिला, फिर 20-25% मूव कर रहा, फिर ड्रॉप देखने को मिल रहा। तो हम उस फ्लक्चुएशन को हर बार ग्रेप कर रहे हैं। महीने में हम अगर दो बार भी इस कॉइन के प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो 40-45% का एवरेज हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है। उसके बाद हमने 18 को इस कॉइन में प्रॉफिट जनरेट किया, फिर इसमें ड्रॉप देखने को मिला। 18 को ही हमने वीडियो शेयर किया था कि यहाँ से अच्छा खासा मूव किया है, आपको एग्जिट हो जाना है, उसके बाद वापस करेक्शन होगा, प्राइस में ड्रॉप होगा, तो आपको इस कॉइन में 0.155 के राउंड में वापस बाय कर लेना है। फिर 29th को भी हमने आपको वीडियो शेयर किया था, यहाँ पर ये 30 है, यहाँ पर वीडियो शेयर किया था और 0.155 वाला जो लेवल बताया था तो 1512 तक प्राइस चली गई थी उसके बाद में, और हमने अच्छे खासे लेवल पर वापस बाय किया। इस कॉइन ने रिसेंटली 19 वाले लेवल तक ट्राई किया था, हमने 0.18 और 19 टारगेट बताए थे, अच्छा खासा प्रॉफिट वापस जनरेट किया। अभी का अगर देखें तो 162 पर ये ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस जो लेवल है 19 वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है और प्राइस जो है उसके 155 तक के या फिर 152 तक के चांसेस है वापस से कॉइन उस लेवल तक ड्रॉप हो सकता है और हम अच्छे खासे लेवल पर वापस एंट्री लेंगे। एंट्री का हमें ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी नहीं करनी है। मार्केट में अगर आप देखें तो पिछले 3-4 दिनों से अच्छी खासी फ्लक्चुएशन हो रही है। BTC ऊपर की तरफ 28,000 को बार बार ट्राई कर रहा है, वहाँ से हर बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा कि BTC 28,000 को ट्राई करेगा और हर बार वहाँ से रिजेक्ट होगा। दो तीन बार ट्राई किया है, आज की जो डेली क्लोजिंग है, सुबह जो डेली क्लोजिंग हुई है वो हमें ऑलमोस्ट 27,900 अराउंड देखने को मिली है। हो सकता है कि अभी वापस BTC 28,000 से ऊपर ट्राई करें और कल फाइनली 28,100 से ऊपर वीकली क्लोजिंग और डेली क्लोजिंग देखने को मिल सकती है और वहां से फिर नेक्स्ट टारगेट जो है वो 29,000 या उससे ऊपर वाले लेवल रहेंगे।
तो यहाँ से अभी भी ये क्वाइन और मार्केट चांस दे रहा है, हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अक्टूबर मंथ जो है वो प्रीवियस ईयर्स में अच्छा खासा बुलिश रहा है। हर साल हमने अक्टूबर मंथ में मिनिमम 10-12% का BTC में पंप देखा, किसी साल 20% से भी ज़्यादा का मूव देखा है, और इस साल भी ओवरऑल जो चार्ट शो हो रहे हैं, ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो बुलिश है। BTC अक्टूबर के स्टार्टिंग से ही मूव कर रहा है, तो ओवरऑल हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, साथ के साथ अल्ट्स में भी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। इस क्वाइन में एंट्री की अगर बात करें, जिन्होंने एंट्री नहीं ली है अभी तक और एंट्री देख रहे हैं, 0.158 पर आपको एंट्री लेनी है, 0.162 पर अभी ये क्वाइन ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा वेट करना है और 0.158 पर आपकी एंट्री रहेगी। एंट्री आपको 70% पार्ट से लेनी है, जो भी अमाउंट आप इस क्वाइन में लगाना चाहते हैं उसके 70% पार्ट से एंट्री लेनी है। उसके बाद अगर और हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, ड्रॉप देखने को मिलता है, तो सेकेंड एंट्री 0.148 की रहेगी, जो रहेगी आपकी बाकी 30% पार्ट से। देखिए ये जो सेकंड लेवल है ये मैक्सिमम लेवल है, क्योंकि वहाँ तक प्राइस के इतने चांसेस नहीं है, लेकिन जैसे BTC हर बार 28,000 को ट्राई कर रहा है, जब 28,000 को ट्राई करता है तो कुछ बड़ा रिजेक्शन देखने को मिलता है और प्राइस जो है वो 27,200-300 तक आ जाती है। तो यहाँ से ये क्वाइन करेक्शन कर रहा है, 0.158-1.6 तक चला जाएगा, उस टाइम पे BTC ने मूव किया और वहाँ से रिजेक्शन हुआ। तो आपने पहले भी देखा, हमने पहले भी बताया है कि जब जब BTC ऊपर की तरफ मूव करता है तब सभी अल्ट्स मूव नहीं करते, लेकिन अगर BTC में ड्रॉप होता है तो सभी अल्ट्स में उतना ही ड्रॉप या उससे ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिलता है। इसलिए 0.148 की आपकी सेकंड बाइंग आपको लगा के रखनी है 30% पार्ट से। टारगेट्स की अगर बात करें तो जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री लेंगे, यानी कि क्विक प्रॉफिट जनरेट करने की पर्सपेक्टिव से, उनके लिए फर्स्ट और इमीडिएट टारगेट रहेगा 0.185 वाला लेवल, जहां पर आपको अपना 60% टोकन सेल करना है। सेकंड टारगेट रहेगा 0.20 वाला लेवल, जहां पर आपको बाकी 40% पार्ट सेल आउट करना है। इस टाइप से 60-40 के रेशो में 0.185 और 20 पर सेल करना। देखिए 185 से लेकर 20 को ये क्वाइन इजीली ट्राई कर लेगा। इसने पहले जब मूव लिया था तब 18 से ऊपर वाला लेवल ट्राई किया था, यहाँ जब मूव किया था यहाँ 18 से ऊपर वाला लेवल ट्राई किया, फिर अभी मूव किया तो अभी 19 से ऊपर वाला लेवल ट्राई किया, अभी वापस जब मूव करेगा तो ये इजीली 20 से ऊपर चला जाएगा। तो आपके जो टारगेट हैं वो आने वाले 4-6 दिनों के अंदर और उससे पहले भी हिट हो सकते हैं, जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वालों के टारगेट हैं। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, जो मंथली बेसिस पर होल्ड करके 40-50% का प्रॉफिट टारगेट रखते हैं, उनके लिए 0.215 वाला लेवल टारगेट रहेगा, जहाँ पर आपको अपना 100% पार्ट सेल आउट करना है। इस टाइप से इन लेवल्स पर आपको सेल लिमिट लगा के रखनी है जब आप बाई कर लेते हैं। अभी तो बाइंग से ऊपर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है तो हमें बाई लिमिट लगा देनी है, और जब बाई हो जाता है उसके बाद सेल लिमिट लगा के रखनी है। इसके अलावा अगर आपने इस कॉइन को जल्दी बाजी में पहले के टाइम फ्रेम में ऊपर वाले लेवल पर बाई किया हुआ है तो आपकी 19 से ऊपर की अगर बाइंग है तो आपको अपने रिकवरी एरिया, जो भी आपकी बाइंग प्राइस है, उस पर सेल लिमिट लगा के रखनी ताकि आपका अमाउंट रिकवर हो जाए। इसके अलावा जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जो इस टाइप की गलतियाँ करते हैं, जिनको नॉलेज एक्सपेंस नहीं है, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में जरूर इनरोल करें। वहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वारी रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपने क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।